नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल QR कंस्ट्रक्शन में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक डिसमिल में कितना फुट होता है। तो चलिए जानते हैं। जैसे ये हमारा है एक एकड़, ये बराबर होता है 100 डिसमिल का। 100 डिसमिल में एक एकड़, तो एक डिसमिल में ये आ जाएगा आपका 1/100 एकड़। ये 100 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इसके नीचे। तो आप जानते हैं ना एक एकड़ में क्या होता है। एक एकड़ ये होता है, जैसे ये हमारा एक एकड़ है। एक एकड़ ये कब होगा, जब ये इसका जो है 44 यार्ड। अब भाई 110 यार्ड बोले तो गज, 44 बाई 110 स्क्वायर गज का ये एक एकड़ होता है। तो ये हो जाएगा आपका एक एकड़ में 44 बाई 110 स्क्वायर यार्ड। तो एक स्क्वायर यार्ड ये होता है 9 स्क्वायर फीट। एक गज में, एक स्क्वायर गज में 9 स्क्वायर फीट होता है। तो यहाँ स्क्वायर यार्ड है, तो 44 110 और यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर है। तो इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 43,560 स्क्वायर फुट। ये एक एकड़ में 43,560 स्क्वायर फुट निकल के आएगा। तो हमको डिसमिल चाहिए, एक डिसमिल में कितना फुट होता है ये हमको निकालना है। तब यहाँ पे देख रहे हैं, एक डिसमिल बराबर 1/100 एकड़। तो यहाँ लिखते हैं एक डिसमिल बराबर 1/100 एकड़। एक एकड़ में 43,560, तो 1 × 43,560 डिवाइड 100, तो ये हो जाएगा। इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो होगा 435.6 स्क्वायर फुट। ये आएगा एक डिसमिल में 435.6 स्क्वायर फुट। कब होगा एक डिसमिल, इसका जैसे एरिया कितना हो, इसका लंबाई हो 20.87 फीट, इसका चौड़ाई भी हो अगर 20.87 फीट, तो ये एक डिसमिल बोलेगा। इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये इतना स्क्वायर फुट आ जाएगा। इतना 435.6 स्क्वायर फुट को हम एक डिसमिल बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया डिसमिल का। आइए जानते हैं एक हेक्टेयर में कितना फुट होता है। इसको हम निकालते हैं, एक हेक्टेयर में कितना फुट होता है। तो ये होगा आपका, ये है एरिया है एक हेक्टेयर कब होगा, इसकी लंबाई 100 मीटर, चौड़ाई भी 100 मीटर, तो इसको हम एक हेक्टेयर बोलेंगे। तो एक हेक्टेयर इज इक्वल टू 100 मीटर × 100 मीटर। इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 10,000 वर्ग मीटर। तो एक आप जानते हैं एक वर्ग मीटर ये बराबर कितना होता है, 10.76 फुट का
एक स्क्वायर मीटर में 10.764 स्क्वायर फुट होता है, तो इसको हम कर देंगे, फुट में ले जाना है, 10,000 स्क्वायर मीटर है, तो इंटू 10,000 गुणे 10.764, इसको जब हम कैलकुलेशन कर देते हैं तो ये आ जाएगा 10,710.76 स्क्वायर फुट। एक हेक्टेयर में ये आ जाएगा 10,76,00 स्क्वायर फुट।